नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरे मित्र, आई एम जम्मू के बीओजी के चेयरमैन मिलिंद कामले जी, आई एम जम्मू को जिन्होंने बनाया, ऐसे हमारे डायरेक्टर प्रोफेसर सहाय जी, माय डियर स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स और अन्य सभी डिग्निटरीज, मीडिया के साथीगण, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने आज मेरे को आईएम जम्मू में निमंत्रित किया, आपसे मिलने का एक अवसर दिया और कुछ विषय पे चर्चा करने का भी आपने अवसर दिया। मैं आने वाला आधा घंटा आपके बीच में हूँ। मैं 12-15 मिनट कुछ विषय रखूंगा, फिर आपसे मैं चाहूंगा कि 3-4 प्रश्न आपसे भी आए, कुछ मैं आपको समाधान दे पाऊं और आपसे कुछ सीखूं। जब एकेडमिक इंस्टीट्यूट में आया हूं, मैं भी स्टूडेंट हूं और मैं आपसे ही कुछ सीख के जाऊं, इस मोह से मैं यहाँ आया हूं। और जब मैं केंद्र सरकार में शिक्षा डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं, ऐसे में जो विषय कहूंगा इसे आपको जानकारी नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में मूलतः क्या सिखाया जाता है, हाउ टू मैनेज द थिंग। मैनेज तो माता वैष्णो देवी ही करते हैं, मैनेज तो एक डिवाइन पावर ही करता है। हमें भी लगता है कि हम भी मैनेज करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में इन दोनों के बीच में जो विषय पढ़ाया जाता है उसको मैनेजमेंट ही कहा जाता है। इसलिए इसे एक देश की प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में मैं आके खुद को एनलाइटेड भी फील कर रहा हूं। इसलिए मैं कुछ प्रोस्पेक्टिव मैनेजमेंट को, मैं एक बड़ा विषय जुड़ा हुआ है डिसीजन, डिसीजन की पहले और एक विषय जुड़ा हुआ है टू एनालाइज द सिचुएशन एंड अडॉप्ट ए प्रोसेस। मैं एक पब्लिक पॉलिसी की प्रैक्टिशनर के नाते खुद को भी एक मैनेजमेंट की स्टूडेंट मानता हूं। कुछ विषय को अगर हम कोई एक चैलेंज को, कोई एक चुनौती को, कोई एक सिचुएशन को हमें सामना करना पड़ता है और उस स्थिति में हम लोग ये दिमाग में रहते हैं उसे आगे कैसे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रेस्क्राइब फॉर्मूला भी रहते हैं जो आपको आज इन दिनों में पढ़ाए भी जाते होंगे। कभी कभी ऐसे सिचुएशन आता है उस पढ़ाई भी काम नहीं देता है। अपने अनुभव, अपने तजुर्बा और आप जिस उम्र में हो, आपको जब कही गई है अगर बचपन से चींटी काटने से क्या करोगे, कोई मैनेजमेंट की कोर्स में है क्या? एक हम चलते चलते गड्ढा आएगा, गड्ढा को कैसे पार करना, या मैनेजमेंट में कहा गया है किताबों में उसको स्ट्रेट चलना, इसीलिए गड्ढे के अंदर भी जाना फिर ऊपर चढ़ना या उसको काट के जाना, ये सारे विषय कुछ कुछ चीज प्रैक्टिकल नॉलेज में भी हम लोग करते हैं। मित्रों, मैं मानता हूं सारा चीजों को एक प्रोसेस कहा जाता है। आज हम देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं गवर्नेंस फिलोसॉफी आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। ये कभी कभी आईएम जैसे इंस्टीट्यूशन में इसकी स्टडी होनी चाहिए। क्या कारण रहा, हमें 2014 में पॉलिसी पैरालिसिस की ब्याज मिला था। विश्व की 5 फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में हम थे। क्या कारण रहा होगा आज, जब इस कालखंड में पिछले 10 साल हम पूरा कर रहे हैं, उसी 10 साल के अंदर हम दुनिया के नंबर 5th इकोनॉमी बने और आने वाले चंद महीने में हम $4 trillion की इकोनॉमी बनेंगे और थोड़े दिनों में हम $5 trillion की इकोनॉमी बनेंगे। बैंकों की क्या हालत था, आधे दर्जन बैंकों के सीए को जेल जाना पड़ा।
पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंकिंग क्या बड़े बड़ों के लिए है या प्रायोरिटी सेक्टर की लेंडिंग लेने वाले छोटे के लिए है, यह कभी डिबेट चल रहा था। आज वो सारे बैंकिंग सेक्टर प्रॉफिट करने लगे हैं, बैंकों को में, इसलिए फाइनेंस अकाउंटिंग की विषय आप ज्यादा जानते हो। बैंक्स कभी रिस्क लेना नहीं चाहते थे, कौन छोटे लोगों को लोन दे, एनपीए हो जाएगा, उनके वसूली कौन करने के जाते, उनको जानकारी नहीं है, अकाउंटिंग जानकारी नहीं है, ऐसे एक धारणा था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन अकाउंट खोलने की एक मुहिम छेड़ी, अनबैंक्ड सेगमेंट आज बैंकिंग नेटवर्क में आ गया, मुद्रा योजना करके छोटी सी टाइनी योजना बनाई, आज लाखों करोड़ रुपया, 7 लाख करोड़ से ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है। बड़े बड़े लोग लोन देके लेके तो भाग गए विदेश, सब आएंगे धीरे धीरे देश के अंदर, आना लाना ही पड़ेगा हमको, आएंगे कानून ऐसे है, लेकिन छोटा व्यक्ति कभी लोन खिलाफ नहीं करता है। मोदी जी ने जो प्रोसेस अपनाया उसमें उन्होंने बॉटम ऑफ द पिरामिड अप्रोच को अपनाया, सबके लिए व्यवस्था करो, विकास सबके लिए करो, सबका विकास उन्होंने कहा। लोगों की नाराजगी किसमें होती थी, एक समय आया था, आप लोग जो और थोड़ा 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते होंगे, 2014 में आप क्या पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, 10th में ही थे और भी छोटे होंगे, हाँ एट, सच सच तो बताओ, 7, 8, 9, 10th तक आप पढ़ते थे। उस समय में आप लोगों ने, इस समय में आप लोगों ने, आपके मन में भी आता होगा, थोड़ा सुनते होंगे घर में चर्चा करते हुए, हम आखिर टैक्स क्यों दें, हम सब मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, गरीब परिवार से बच्चे भी आते होंगे, सब टैक्स देते हैं, कभी कभी हमारी पेरेंट्स चर्चा करते हैं हम टैक्स क्यों दें, हमें क्या मिलता है। मित्रों आज 9 साल 9.5 साल के बाद टैक्स की नेट बढ़ी है, टैक्स ज्यादा लोग दे रहे हैं, ज्यादा अमाउंट भी आ रहा है, क्या कारण रहा कि ये सब हो पाया, बैंक अकाउंट ज्यादा खुले, टैक्स की साइज बढ़ी, टैक्स की नेट बढ़ी हुई। मैंने एक डिपार्टमेंट पहले चलाता था, उदायित्व तो मेरे पास था, पेट्रोलियम विभाग, वो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डिपार्टमेंट था उसमें, लेकिन एक कमोडिटी था एलपीजी देने का, घरों में क्लीन कुकिंग फ्यूल देने की वो व्यवस्था थी उस डिपार्टमेंट के अंदर। हमने देखा कि देश के 50% लोगों के पास एलपीजी कनेक्शन है, और विशेष करके हावनर्स के पास, गरीब तबके के पास एलपीजी है ही नहीं। आप जैसे कोई प्रोफेसर है, जैसे कोई प्रोफेसर मित्र है, उन्होंने मेरे को एक असेसमेंट करके बताया कि साहब आपकी जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जिनमें से प्रत्येक साल भारत में, आई एम कोटिंग WHO स्टैटिस्टिक्स, भारत में 5 लाख महिलाओं की जान चली जाती थी डोमेस्टिक पॉल्यूशन के कारण, धुएं के कारण, उसकी उत्तर है एलपीजी में, एलपीजी पहुंचेगा तो क्लीन कुकिंग फ्यूल होगा, खांसी दमा इस बीमारी से मुक्त होगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए उन बॉटम ऑफ द पिरामिड को एड्रेस करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस अनरिचेबल लोगों तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की, आज देश की लगभग 10 करोड़ ऐसे अपहुंच लोगों के पास, अनरिचेबल लोगों के पास, महिलाओं के नाम पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की कनेक्शन लग गई।